हापुड़ के वार्ड नंबर 32 की जनता का मूड भांपने के लिए ई हापुड़ न्यूज़ की टीम सोमवार को वार्ड में पहुंची और मोहल्ला पन्नापुरी आंशिक, भगवानपुरी आंशिक, इंद्रलोक आंशिक, शंकरगंज आदि मोहल्लों में जाकर क्षेत्रवासियों से पिछले 4.5 वर्षों में कितना विकास हुआ है इस सवाल का जवाब तलाशा। लोगों ने कहा कि सभासद देवेश शर्मा ने इलाके में विकास कराया है, लेकिन अभी भी एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। वह है मोहल्ला भगवानपुरी के पास स्थित एक प्लॉट जो आज गंदगी का नया अड्डा बन गया है। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मोहल्ले की प्रमुख समस्या ये है कि एक हफ्ते से मोहल्ले से कूड़ा नहीं उठ पाया है और नालियों की सफाई कम हो रही है और हमारे मोहल्ले में यहाँ गंदगी पड़ती है। भगवानपुरी वाले मैदान में ये गंदगी नहीं उठ रही है और यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग गोबर ला के गिरते हैं, ये गोबर नहीं उठ पा रहा है। जगह जगह काफी दफा सफाई वो शिकायत भी कर ली है, इस पर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमारे मोहल्ले में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, कई लोगों को कैंसर हो गया है यहाँ और कैंसर से एक पीड़ित मर भी गया है। हम कहते हैं, कहना चाहते हैं कि यहाँ का जल्दी चेक कराया जाए। सभासद ने विकास किया है, दिख भी रहा है लोगों को, पौधे भी लगवाए हैं, सड़क बनवाई है। आवारा बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, कुत्तों का बहुत ज्यादा है और यहाँ गाय बिजारों का आतंक बहुत ज्यादा है, जो कि ये पकड़े जाने चाहिए। नहीं, हमारे मोहल्ले में समस्या तो ऐसी कुछ नहीं है, सब साफ सफाई, सड़कें बड़ी बनी हुई है, लाइट ऐसी आई हुई है। सारा काम भी सभासद महोदय के वजह से हुआ है ये सारा काम। बंदर तो बहुत है जी हमारे मोहल्ले में, कुत्तों से इतनी परेशानी नहीं, लेकिन बंदरों से ज्यादा है। हमारे मोहल्ले में जो मेन समस्या थी वो कूड़े की थी। यहाँ से हमारी गलियों से कूड़ा नहीं उठ पाता था, नालियाँ साफ नहीं हो पाती थी, बिजली की समस्या यहाँ पर है और सड़कों की थी। बस यही मेन एक सभासद की समस्या होती है, इसके अलावा तो सभासद की कोई और समस्या होती नहीं है। हमारे क्षेत्र में सभासद जी ने काफी विकास करा। हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है कुछ यूँ चल रही है कि अब जो कूड़ा नहीं उठ रहा है, एक हफ्ते करीब हो गया है, कुछ आते हैं पल्ली तरफ से उठा कर ले गए, कुछ गलियों का उठा कर ले गए, ये है कहानी। अब हर बात में भी हम सभासद जी के धोरा जाएंगे तो हर बात उनसे भी नहीं कही जाती कि सभासद जी आज कूड़ा नहीं उठा। तो सभासद जी को भी थोड़ी है कि हमारा ही काम है बस। हमारा बंदर भी, कुत्ते भी, बिजार भी, गाय बिजार बहुत, हालांकि बंदर अभी उठे नहीं है। क्षेत्र के सभासद देवेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में इलाके में कितना विकास किया है। मेरे क्षेत्र में यहाँ सड़कों का विकास हुआ है, सफाई की व्यवस्था पूरी है, पेड़ लगाए गए हैं, सोलर लाइट लगी है और जो सड़क की रिपेयरिंग है वो भी मतलब कब सड़क बदलवा दी गई है, खराब है सड़क उनको काम कर दिया। वाटर कूलर लगवाए थे जो है, चौराठी में लगाया अंदर, चौराठी बाहर भी लगवाया, एक कॉलेज के बाहर है। पन्नापुरी में सड़क बन रही है अभी एक, और लगभग 3 सड़क बन चुकी हैं। इंद्रलोक में भी लगभग काफी सड़क बन चुकी हैं, भगवानपुरी की मेन रोड बन चुकी है। ई हापुड़ न्यूज की टीम जल्द ही आपके क्षेत्र में पहुंचेगी और आपकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी।